है अपना रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में सरकारी आंकड़े आए सामने, 1375 नए कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 17 की कोरोना महामारी से हुई मौत। गाजियाबाद की बात आपको बता रहे हैं, कोरोना रोजाना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है गाजियाबाद में। पिछले 24 घंटे में सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, 1375 नए कोरोना के मरीज भी सामने आए हैं। साथ ही साथ मौतों की बात की जाए तो 24 घंटे में 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जयवीर मावी। जी जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद की आज की क्या ताजा स्थिति है, साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि 17 लोगों की आज कोरोना के चलते मौत हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो कोरोना रोजाना अपने जो रिकॉर्ड है, जो पिछले रिकॉर्ड है, उनको लगातार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये केवल जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार ही अगर हम बात कर रहे हैं तो 1375 नए मरीज जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार आए हैं। और सरकार ने जो घोषित मरीज जो मौत हुई है कोरोना की, उसको तय किए। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जिस तरह जो आम लोग हैं जो घरों पर इलाज करा रहे हैं या जिनकी जाँच की बात करें, तो वहां पर भी ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जाँच की कमी गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। आज जिस तरह जो मोदी नगर मुरादनगर की बात करें या लोनी ब्लॉक की बात करें, तो जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है कोरोना जांच को लेकर। हालांकि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका दावा है कि उनके पास उतनी किट नहीं है कि वो उतने लोगों की जांच कर सके। जांच की कमी की बात यहाँ सामने आ रही है। लोग तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख सकते थे कि किस तरह यहाँ पर जो मुरादनगर की हम बात करें, मोदी नगर की बात करते हैं, मोदी नगर स्वास्थ्य केंद्र पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि जो भीड़ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कल जो गिनती होनी है उसमें जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि उसमें केवल 24 घंटे पहले ही जिनकी कोरोना जांच नेगेटिव होगी उनको मतगणना स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा, इसको लेकर भारी भीड़ स्वास्थ्य केंद्र पर उमड़ी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि आज से 1 मई से देश भर में वैक्सीनेशन होना था, जिसमें 18 वर्ष से जो बड़े युवक व्यस्त लोग हैं उन सभी को आज से वैक्सीनेशन होना था। लेकिन जो युवा है इस भीड़ को देखकर अब अस्पताल में अभी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि हालात गंभीर हैं। और जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उसको अगर हम देख लें तो उसके हिसाब से जो लोग हैं अभी उनका कहना है कि हम 1 या 2 तारीख के बाद ही अब वैक्सीनेशन के लिए जा पाएंगे क्योंकि अस्पतालों में भीड़ है। और ऐसी भीड़ में जाने का मतलब कि कहीं ना कहीं कोरोना से हम प्रभावित हो सकते हैं। तो लोग, कुछ लोग भीड़ से बच रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि जो चुनाव के जो लोग हैं जिन्हें मतगणना में जाना है, उनमें उत्साह कह लो या अपने समर्थक जो उम्मीदवार है उनके समर्थक या भारी भीड़ अस्पताल में पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भी अगर हम बात कर ले तो लगातार गाजियाबाद में जो कोरोना है उस महामारी का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन सब चीजों पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। जी बिल्कुल जयवीर, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद से लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों में सरकारी आंकड़े जो सामने आए, 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, 1375 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं गाजियाबाद में। और इसके बाद मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, अनियंत्रित कार पेड़